छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से एक अनोखी शादी की खबर सामने आई है। यहाँ एक दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर नहीं बल्कि अस्पताल पहुंचा और अस्पताल में ही दोनों ने परिजन, डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ के सामने साथ फेरे लिए हैं, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है और हर कोई शादी की तारीफ कर रहा है। दरअसल बेजलपुर की रहने वाली रश्मि की शादी सत्ती जिले के परसाहडीह गाँव के रहने वाले राज के साथ तय हुई थी। दोनों की शादी 20 अप्रैल को होनी थी, मगर कुछ दिन पहले अचानक दुल्हन की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर लड़की को शहर के श्री नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया, जहां जांच करने पर पता चला कि रश्मि की बड़ी आंत में छेद है और उसका ऑपरेशन कराना जरूरी है। डॉक्टर ने कहा कि अगर समय रहते इसका इलाज नहीं करवाया जाता है तो लड़की को आगे दिक्कत हो सकती है। इसके बाद लड़के वालों ने ही लड़की को अस्पताल में भर्ती कराने और ऑपरेशन कराने का फैसला लिया था। इसके कुछ दिन बाद रश्मि का ऑपरेशन हुआ, इसके बाद युवती अस्पताल में ही भर्ती है। उधर परिजनों ने 3 तारीख में ही शादी करने का फैसला लिया और फिर गुरुवार को ही दूल्हा बारात लेकर अस्पताल में ही जा पहुंचा और यहाँ पूरे विधि विधान के साथ शादी संपन्न हुई। परिजनों ने बताया कि हमने तारीख तय कर ली थी, तारीख आगे नहीं बढ़ा सकते थे, इसलिए हमने अस्पताल में ही शादी करने का फैसला लिया। इस पूरे काम में अस्पताल प्रबंधन ने भी उनकी काफी मदद की। फिलहाल इस शादी की चर्चा अब चारों तरफ हो रही है।